हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अपने लास्ट वीडियो में दो सैलड रेसिपी शेयर किया था, आज और भी दो सैलड रेसिपी लेके आई हूँ। नंबर वन, कोकोनट मूंग सलाद, रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। पल्सेस को स्प्राउट बनाने में उसका प्रोटीन का वैल्यू डबल हो जाता है। सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग स्प्राउट्स 1 बॉल, चॉप्ड टोमेटोज, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली छोटे छोटे पीसेस में काट के, चॉप्ड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, 1 लेमन जूस। लेमन्स आर रिच इन विटामिन सी एंड स्प्राउट्स आल्सो विटामिन सी से भरपूर होता है। मिक्सिंग बाउल में पहले हमें मूंग स्प्राउट्स लेना है, इसमें ऐड करना है टमाटोज और रॉक सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ। पर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या तो कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्ट का यूज़ ना करे। अगर सॉल्ट का यूज़ करना है तो वो थोड़े मात्रा में ब्लैक सॉल्ट का ही यूज़ करे, क्योंकि वो पोटेशियम रिच होता है। बाकी सॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा सोडियम होता है तो उनके लिए वो हार्मफुल होगा। अभी ब्लैक पेपर, रोस्टेड जीरा पाउडर, लेमन जूस ऐड करना है। इस सलाद को एक अलग सा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे एक तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक हॉट बाउल में हमें थोड़े मात्रा में ऑयल लेना है और उसमें ऐड करना है मस्टर्ड सीड्स। अभी ये तड़का हमें सलाद में मिक्स करना है तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर सलाद को मिल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद सलाद को तुरंत सर्व कीजिए। इसे ज़्यादा देर तक मत रखिए, नहीं तो ये बहुत ही वाटरी हो जाएगा। ये सलाद आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। मैंगो चिकपी सलाद। सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए अनियंस, टमाटोज एंड रॉ मैंगो। चिकपी को मैंने पहले ओवरनाइट सोक किया था, उसके बाद इसे नमक डाल के प्रेशर कुकर में कुक कर लिया है। अभी इसमें टमाटोज, रॉ मैंगो, ग्रीन चिली, प्याज सब मिक्स करना है। सलाद ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें एक बाउल में 1 स्पून ऑयल, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इसे मिक्स करना है। अभी इसमें मिक्स करना है लेमन जूस, फिर सलाद ड्रेसिंग को अच्छे से बीट करना है। अभी ये सलाद ड्रेसिंग हमारे सलाद में मिक्स करना है। बस फटाफट बन गया मैंगो चिकपी सलाद। ऊपर से आप फ्लेक्स सीड रोस्ट करके टॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको सॉल्ट ऊपर से नहीं डालना है, जब आप चिकपी को उबाल रहे हैं तभी आपको सॉल्ट यूज़ करना है। चिकपी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए या तो ओबेस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। चिकपी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसीलिए डिनर में या तो इवनिंग में नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट या लंच में इजीली खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।